तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में जो मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ वो ये है कि इस बाइक की टाइमिंग चेन जो है वो आवाज़ कर रही है। टाइमिंग चेन कब आवाज़ करती है? जब टाइमिंग चेन लूज हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज जाती है, या फिर हमारा टेस्टनर ख़राब हो जाता है। आवाज़ सुना के दिखाता हूँ किस तरह की आवाज़ आ रही है, और उसके बाद मैं टाइमिंग चेन को टाइट करने की आवाज़ बताऊँगा कैसे करना है ये बताऊँगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप थोड़ी बहुत आवाज़ है टाइमिंग चेन में तो आपको बिना चेंज कराए टाइमिंग चेन को उस आवाज़ को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले टाइमिंग चेन के बारे में बात करूंगा। टाइमिंग चेन एक चेन होती है, इसके अंदर जो क्रैंक से जुड़ी होती है और ऊपर कैम शाफ्ट तक। वो क्या करती है, जब क्रैंक घूमती है तो वो कैम शाफ्ट को घुमाती है। कैम शाफ्ट में हमारे दो कैम लगे होते हैं जो हमारे वाल्व को ओपन और क्लोज करते हैं एक टाइमिंग में। जैसे कि मतलब जब गाड़ी का पिस्टन नीचे है बॉटम पे, तो TDC टॉप एंड हैंड BDC पे है पिस्टन, यानी कि सबसे लोअर नीचे है, तो हमारा एक वाल खुलता है सबसे पहले टाइमिंग। ये बहुत ही मतलब एक मुश्किल समझने वाला काम है, जो समझना मुश्किल होता है। तो कुल मिला के मतलब वो जो वालों को दो वाल या चार वाल होंगे तो वालों को एक टाइमिंग में ओपन और क्लोज करेगा, ताकि हमारा फ्यूल अंदर जाए और स्मोक जो अंदर जो हमारा स्मोक गैस है एग्जॉस्ट गैस है बाहर आए। तो उसके लिए ये टाइमिंग चेन होती है। तो टाइमिंग चेन क्या होती है, एक बाइक की सिंपल चेन जैसी होती है जो क्या करती है, हमारे वाल को घुमाती। तो चलने के बाद जब वो गाड़ी हमारी जैसे कम ऑयल पर इंजन ऑयल पर चल गई या फिर ज़्यादा चल गई तो वो चेन लूज पड़ जाती है, और चेन फिर वो साउंड आवाज़ करने लग जाती है टिक 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 टिक। तो उससे प्रॉब्लम, कम आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो उससे गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, आप ठीक करवाओ उसको। कभी कभी क्या होता है, इतनी टाइमिंग चेन मतलब आप जैसे कोई बंदे चला देते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करो फिर भी चलाते, तो चेन पैड कटने के बाद उसमें चेन पैड लग रहे थे दोनों साइड से चेन को टाइट रखने के लिए, चेन पैड भी घिस जाते हैं और इंजन तक घिस जाता है। तो जो R5 बनाने वाले थे जिस गाड़ी को, उसमें भी यही हाल था सीधा, तो इसलिए उसका ब्लॉक भी ख़राब हो गया था। तो क्या करना है अब, इसकी सबसे पहले इसका टेंसनर खोलना है। पहले आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, सबसे पहले हमें टेंसनर खोलना है। ये टेंसनर जिसके लिए दो बोल्ट खोलने होते हैं हमें, जो कि हैं 8 नंबर के। तो ये जो टूल हैं 8 नंबर की गोटी और एक थी, इस टूल का मैंने रिव्यू बनाया हुआ था अपने बहुत पहले अपने वीडियो पर, जब मैंने चैनल नया बनाया था जीरो से स्टार्ट किया था। आप मैं डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं वीडियो की, मतलब आप अपने घर पर काम करने के लिए टूल सबसे बढ़िया बेस्ट यानी कि सबसे अच्छे प्राइस में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। और TVS यानी कि जिन बाइकों में इस तरह से साइड में टेंशनर होता है उसमें हम कर सकते हैं। हीरो होंडा की बाइक में थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी रहती है, उसमें नीचे से स्प्रिंग को टाइट करना होता है। वो मैं आपको फिर अगली वीडियो बाद में कभी दिखाऊंगा जब मेरे पास हीरो होंडा की बाइक आएगी। बाइक मेरे पड़ी हुई है खुद, उसमें भी काम करना है, खुद की बाइक है भाई की, तो उसमें करूंगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा आपसे टाइमिंग चेन कैसे सेट करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। तो ये आ गया टेंशनर बाहर, तो टेंशनर का ये टाइमिंग चेन को टाइट रखता है। तो जब चेन लूज हो जाती है तो ये अपने फुल साइज़ में रहता है। तो हमें क्या करना होता है, इस पर एक 10 नंबर का कोई नट वेल्ड करना होता है, यानी कि इसको थोड़ा ऊंचा उठाना होता है। नट वेल्ड करा के यहाँ पर इसको ऊंचा कर सकते हैं। नट वेल्ड कराने पे बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सावधानी से कराना पड़ता है, इस पर गीला कपड़ा आप लपेटोगे ताकि ये ठंडा रहे, ये गर्म होगा तो ये गल जाएगा, ये मुलायम एल्युमिनियम है। और इसको पूरा आधा कपड़े से लपेट के यहाँ पर नट वेल्ड कराना होता है छोटा सा एक टाका लगा के, तो वो वेल्डिंग वाले आपको करके दे देंगे, आप वेल्डिंग वाले के पास जाओगे। और दूसरा तरीका सबसे सिंपल जो जिसमें वेल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है एक जो बल्ब होता है हमारे बाइक का, इंडिकेटर बल्ब या फिर हेडलाइट बल्ब ना बैकलाइट बल्ब, तो उसका जो इंडिकेटर होगा उसके इंडिकेटर का होल्डर है ये। इससे क्या होता है, ये इस पर ठोक के ये इस पर फंस गया, अब ये चेन लंबा हो गया आगे और इसको हम ठोक देंगे और का हटोड़ा। देखो ये मैंने ठोक दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, अब ये कहीं नहीं जाएगा और ये अंदर जाके ये चैन पैड को थोड़ा सा और आगे धकेल देगा तो चैन थोड़ा ठहर जाएगी। अब मुझे क्या करना है, टाइमिंग जो टेंशनर है उसकी चाबी भरनी है। चाबी भरने से क्या होता है, ये पीछे आ जाता है, क्योंकि अगर हम इसको अभी ऐसे फिट करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ये पीछे को जोर लगाएगा। तो हमें क्या करना है,
उसकी चाबी भरनी है और चाबी भर के पीछे को आ जाता है। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे करके तो देखो ये पीछे आएगा ये, और एक पोजीशन पाने का रुक जाएगा तो वहाँ पे ये फिर लॉक हो जाएगा। अब देखो ये आ गया, अपने छोटा हो गया। अब इसको हमें वापस प्यार से इसी में अंदर लगा देना है फैसनर को, और फिर इसके जो 8 नंबर वाले बोल्ट थे इनको हमें कस देना है और फिर टाइट कर देना है। ओह शिट, ये अंदर जाते ही खुल गया। खैर कोई बात नहीं, हम इसको अभी भी ऐसे ही लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, चाबी ख़राब हो जाती है, चाबी काम नहीं करती तो वो अपने आप खुल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कस दिया वैसे ही, और अब हम इसको टाइट कर देंगे। तो अब हम एक बार बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे कि टाइमिंग चेंज की आवाज खत्म हुई या नहीं। टाइमिंग चेन की आवाज़ कम हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। और ये तरीका तब काम करता है जब टाइमिंग चेन थोड़ा सा लूज़ हो, यानी कि ज़्यादा लूज़ ना हो। अगर ज़्यादा लूज़ रहेगी तो आपको टाइमिंग चेन और चेन बेल्ट चेंज करानी ही पड़ेंगे। उसमें आपका जो खर्चा होगा वो कम से कम जाएगा, टाइमिंग चेन आपकी होगी ऐसे ही 150-150 रुपये की, और चेन बेल्ट होंगे 150-150 रुपये के, 300 रुपये हो गए। और उसके बाद आपका जो फिटिंग का चार्ज होगा 100 रुपये जो भी होगा, यानी कि आपका 400 रुपये तक में आपका काम बन जाएगा, आपकी गाड़ी में टाइमिंग चेंज पड़ जाएगी। बाकी एक तरीका ये भी अपना सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। और अरे यार, मैंने इतने से मुझे पहले ध्यान नहीं आया कि जो होल्डर लगाने वाला तरीका था वो काम करता है। मैं खाली वेल्डिंग मशीन लेके आ गया, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो।